गुंडागर्दी की हद तो ये देखिए कि यहाँ पर जिन जिन जुआरियों को परतवाड़ा पुलिस ने पकड़ कर लाया था उन्हीं जुआरी ने आज हमला कर दिया। यह हमला दिन दहाड़े हुआ है। आज इन जुआरियों की इन गुंडों की इतनी दहशत यहां बढ़ गई है कि इन्हें ना पुलिस की परवाह है ना यहां पे किसी कानून कायदे की परवाह है। आज दिन दहाड़े इन्होंने हमला करके ये साबित कर दिया कि ये यहां किसी से नहीं डरते। नमस्कार, मैं शरीन सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं इधर प्रभात लाइव। मैं रेहान मोहम्मद असलम मंजारा, आज सुबह 12:20 को राजिक डॉन नाम का मुगलई रहवासी एक आदमी, उसके साथ में गुंडा प्रवक्ति का आदमी है, उसके साथ में मजहर करके और अकबर करके चोर ऐसा अकबर चोर करके बोलते, ये 3-4 जने 5 जने मेरी दुकान पर आए, मेरे को जान से मारने की धमकी दिए, मेरे को गालियाँ दिए, मेरी दुकान की कुर्सियाँ फेंके, मेरी दुकान के ऊपर का सामान फेंके, मेरे भाई को सर पे ईंट मारने की कोशिश करे, तो मेरी दुकान के आदमी ने मोहम्मद जाफर ने उसको बीच में हाथ डाल के वो अपने हाथ पर ईंट का घाव लेकर उसको बचाया और ये आकर गालियाँ दे के गोली मारने की धमकी दे कर गए और हमने उनको बोले कि पुलिस प्रशासन को हम फ़ोन लगा के बुलाते, तो उन्होंने अपने आप में ये डर ये उनका इतना वो बताया, दादागिरी बताया कि वो पुलिस वालों को भी यहाँ पे गालियाँ दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई कोई भी पुलिस ला दो, हम पुराने बदमाश हैं, हमको तुम नहीं पुर सकते, हम तुमको मार के अंदर हो जाएंगे करके। और ये लोगों के सब 2 नंबर के धंधे हैं और ये उसके बेस पे लोगों पे दादागिरी कर रहे। आजू बाजू के लोग, हमारे घर के ऊपर के सब लेडीज़ लोग सब सुन रहे थे ये वारदात। इन्होंने बहुत गंदी गालियाँ दिए और मेरी दुकान की तोड़फोड़ करने की कोशिश करे और मेरे को जान से मारने की, ये पैसे छीना छपटी की भी कोशिश थी, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के तरफ देख के यहाँ बोल के बताया कि भाई ठीक है अभी ये मत करो करके। हम वो वहाँ से निकले, फिर गालियाँ देते देते गए और मेरे को जाते आते धमकी दी और मेरे को इन लोगों से जान की मेरे को मेरे परिवार को इनकी जान से खतरा है और मैं यही चाहता कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए और ये आगे से कोई भी व्यापारी की दुकान पर जाके कभी हमला करने की कोशिश ना करे। बस मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा। ये पहले दुकान पर आए, इनका बोलने का ये मतलब था कि पिछले 2 दिन पहले कैनल के ऊपर में, बडूरा कैनल के ऊपर में एक जुए पे रेड गिरी थी प्रशासन द्वारा, तो इनका बोलने का ये मतलब आया कि भाई हमारे जुए पे आपने रेड कराए, यानी हमने मुखबिरी की है, जबकि मुझे ये लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ये जुए से भी कोई इनके लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा उन्होंने मेरे पर आरोप लगाकर मेरी दुकान पर हमला करने की कोशिश करे, मेरे को जान से मारने की कोशिश करे। वहाँ पे उनका कैनल के ऊपर में सागवान का धंधा चलता, जो भी चलता अवैध, पूरे उनके अवैध ही काम है। अब उनके अवैध काम से हमारे जैसे व्यापारियों को कोई भी तरीके की कोई भी लेन देन नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मुद्दा बनाकर मेरी दुकान पर हमला करने की कोशिश करे और मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे को चिल्लाकर बोल के गए कि हम तेरे को गोली से ख़त्म कर देंगे करके। मेरा नाम ओमान मोहम्मद असलम मंजारा है और मैं वंजारा टाइल्स एंड हार्डवेयर, ये दुकान मेरी है। और आज सुबह 12:15 के वक्त में 3-4 लोग, जिसमें से एक राजिक नाम का व्यक्ति जिसको राजिक डॉन के नाम से मशहूर है, जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में, और एक मजहर करके एक और है, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, और ऐसे ही और 2 लोग थे साथ में। और ये लोग आए 12:15 के वक्त पे और दुकान पर हम लोग बैठे थे, मेरा भाई मेरे साथ बैठा था रेहान वंजारा, और इसका उनका उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। आते से ही कुर्सियाँ वगैरह उठा के हमें मारना चाहा, उसके बाद दुकान में थोड़ी तोड़फोड़ की और हमें जान से मारने की धमकी दी और छीना झपटी की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से वो लोगों का वो प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। और जाते जाते उन्होंने ईंट उठाई जो मेरे सर पे लग सकती थी, लेकिन मेरे यहाँ के जो काम करने वाले व्यक्ति है मोहम्मद जाफर, उन्होंने अपने हाथ पे वो वार को लेके मुझे सेफ करा। और उसके बाद फिर निकलते बाहर उन्होंने इशारे करते हुए कहा कि बाहर निकलो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, गोली मार देंगे, और ऐसी बहुत सी बातें की। और हमारे क्षेत्र में ये जो आपराधी प्रवृत्ति के लोग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये जो हमारा बैतुल नाका है आगे यहाँ से तकरीबन 300 मीटर तक, यहाँ तक हर किस्म का अवैध व्यापार होता है, गांजे का हो, दारू का हो, पेट्रोल का हो,
यहाँ पे रात रात 12-12, 2-2 बजे तक दुकानें खुली रहती है और बहुत सारे नशे के कारोबार होते हैं जिसका किसी को अंदेशा है किसी को नहीं है। तो मैं यही पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा और तमाम व्यापारियों से सहयोग भी चाहूँगा कि वो मेरा सहयोग करे और मैं इनका जाहिर निषेध करता हूँ और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज ये मेरे साथ हुआ, कल परतवाड़ा के हर व्यापारी के साथ ये हो सकता है और होता है। बीच में इजी स्टील वालों के साथ भी हुआ, उसके बाद स्नेहा बुक डेपो वालों के साथ भी हुआ। आज मैं हूँ, कल वो थे, आने वाले कल में और 4 लोग रहेंगे। तो मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन हम लोगों को, आम जनता को सुरक्षा प्रदान करे। अगर पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमारा पुलिस प्रशासन के सिवा है ही कौन? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारी रक्षा करें। मैं मोहम्मद असलम वंजारा नगर सेवक हूँ यहाँ का। ये मेरी हार्डवेयर की दुकान है, वंजारा हार्डवेयर एंड सेरामिक्स। मैं सुबह के दरमियान में 12:15-12 बजे के टाइम पे घर में था। घर में से मेरे कुछ आवाज़ आई तो मैं नीचे आया तो देखा कि राजिक डाउन करके यहाँ पे सब छीना झपटी वगैरह कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, हमला करके लेके आया उनने 4-5 लोगों के साथ में। राजिक डॉन, मज़हर, अकबर और वाजिद घातक बोलते उसको, और 1-2 जने और थे उसके साथ में। इन लोगों के साथ में हमला करा, मारने की धमकी दी है, बच्चों को गाली गलौज, मेरे को गाली गलौज। कैसे हम लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व करते और हमारे पर ही अगर ऐसा हमला, हमको ही अगर टारगेट रख के हम पर अगर हमला होता है तो ये सुरक्षा का विषय है, सुरक्षा के कारणों का विषय है कि पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने हमारी सुरक्षा करना चाहिए। कुछ 2 दिन पहले जुगार पकड़ा गया था, वो जुगार के कुछ तो भी डाउट में वो यहाँ पे हमला करने आ गए। हमको क्या करना पड़ता जुगार से? ये लोग भाईगिरी कर रहे हैं यहाँ पूरे बैतूल रोड पे, बैतूल कब्रस्तान से लेके तो बैतूल नाके तक टोटली क्रिमिनल माइंड के लोग रहते हैं यहाँ पर, जो आवारागर्दी करते हुए घूमते 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ पे। एक बैतूल नाका जो कि टोटल अतिक्रमण में, उसका कोई कुछ नहीं कर रहा, वो टूट नहीं रहा, बल्कि उसमें वो लोग वहाँ पे भाड़े से देके हजारों रुपए की अवैध कमाई कर रहे हैं। वहाँ पे होटल है, वहाँ पे दारू अवेलेबल हो जाती है, वहाँ पे गांजा अवेलेबल हो जाता है, चाय पानी नाश्ता हर किस्म की सुविधा वहाँ पे मिल रही है। तो ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ के हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं इनको भी खतरा है, आज मेरे पे हुआ, कल और किसी पे होगा। तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इनको तो कपड़े उतार के रोड शो करवाना चाहिए इन लोगों का, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसी हरकत करने वालों का ये हाल होता है करके। यहाँ कोई यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, ये महाराष्ट्र है। अमरावती जिले में ऐसी घटनाएं नहीं होती, ये पहली बार सुनने में, तीसरी बार सुनने में आए हैं, पहली बार नहीं तीसरी बार। एक बार इजी हार्डवेयर पे हुआ, एक बार श्रीवास्तव के यहाँ हुआ, तीसरी बार मेरे पे हुआ, कल चौथा और किसी पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस घटना का मैं जाहिर निषेध करता हूँ और ये पूरे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने को होना, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने को होना और इनका रोड शो होने को होना, ऐसी मैं आशा करता हूँ पुलिस प्रशासन से। मेरा नाम अफजल गोरी है और मैं यहीं का रहवासी हूँ, असलम भाई वंजारा के घर के सामने का। 3 लोग सुबह मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को पूछे कि भाई अप्पू कहाँ पर है। मैंने उनको बताया कि भाई वो घर में होंगे, मेरे को मालूम नहीं। फिर उन्होंने मेरे से नंबर लिए और उसके पिताजी का भी नंबर लिए, मैंने उनको नंबर भी दिया। वो लोग उसकी दुकान पर गए, दुकान पर जाने के बाद में एकदम लोमा झोमी होती दिखी, तो हम 2-3 लोग दौड़े। दौड़ने के बाद में कुछ लोग नीचे पत्थर उठाकर शोरूम पर मार रहे थे, ऊपर उसके दरवाजे पर भी मारे। और उसके बाद में ऐसा कैनल के ऊपर कुछ दिन से और कई माह से वहाँ जुआ शुरू है, चालू रहने की वजह से प्रशासन ने परसों के दिन वहाँ पर रेड की थी। रेड के अंदर उनका ये बोलना था कि तुमने इतना क्यों पूछे कि इनके ऊपर क्या केस लगी, उसी मामले को लेकर ये पूरी गड़बड़ हुई। और उसके बाद में हम यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ रहने के बाद में हमारे साथ में यहाँ पर पुलिस गश्त की सख्त ज़रूरत है। 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे तक भी यहाँ का काम धाम बंद नहीं हो रहा, बस यही शिकायत हम करते। मैं सैयद वसीम, मैं इन्हीं का पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि असलम भाई के घर पर ऐसा प्रकरण हुआ, और ये लोग समाज को लेके चलने वाले लोग हैं, ये कभी किसी के लेने देने में नहीं रहते हैं।
फिर भी आज हमारा ये जो बैतूल नाका हो गया, ये ऐसा हो गया कि आज रहने के लिए डर लगने लग गया है। घरों के सामने पार्किंग कोई भी अवैध गाड़ियां खड़े कर देता है और हमको हटाने के लिए कई बार उनसे हुज्जत करना पड़ता है। तो ये तकलीफ जो है यहाँ पे असामाजिक तत्वों की बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे हम सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या पुलिस प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे और जो भी यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ हो रही है इस पर रोकथाम लगाए। मैं राशिद यहीं पर रहता हूँ, टीचर कॉलोनी में बैतूल रोड पर। आज सुबह के वक्त में जब मैं घर से निकला तो असलम भाई वंजारा, इनके दुकान के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। यहाँ पर आने के बाद में पता ये चला कि यहाँ पर असलम भाई के बेटे के ऊपर, असलम भाई पर, उनकी दुकान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। ये असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर जीना दुभर हो चुका है। आम तौर पर रोज़ाना यहाँ के ये हालात है कि यहाँ पर बहु बेटियों का घर से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। यहाँ पर अवैध पार्किंग, अवैध धंधे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये असामाजिक तत्व जो यहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक के घर पर, दुकान पर हमला करने के बाद में भी सीनाजोरी कर रहे हैं, इनके रोकथाम के लिए हम लोग ये चाहते पूरे क्षेत्र के लोग कि भाई इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोग इसका पुरजोर निषेध करते हैं। मैं धर्मेंद्र बळवंतराव घोटेकार, राहणार बैतूल रोड टीचर्स कॉलोनी कांडली। आमच्या इथे सध्या म्हणजे ह्या रोडवर तो असामाजिक तत्व जे आहे जास्त प्रकारनं वाळून राहिलं आणि जे काही म्हणजे आमच्या घरासमोर किंवा दुकानासमोर गाड्या उभ्या करून राहिले आणि आम्ही जर बोलायला गेलो तर तिथे ते आमच्या अंगावर येऊन राहिले, सरळ मारायला म्हणजे अंगावर येऊन राहिले। आम्ही म्हणजे काही बोललं तर म्हणजे क्या कर लूंगी, बस डायरेक्ट ह्या शब्दानं हे व्यवहार करून राहिले। जैसा कि आपने देखा, सभी लोगों का यही बोलना है कि ये पूरे एरिया में गुंडागर्दी बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। जुआ से लेकर हर दो नंबर के धंधे यहाँ पर निरंतर जारी है। आखिर में इस पर अंकुश किसका? क्या परतवाड़ा पुलिस इस ओर कार्रवाई करेगी? क्योंकि पहली बार शहर में एक जिम्मेदार थानेदार संदीप चौहान आए हुए हैं, जिसके बाद में परतवाड़ा शहर से पूरी गुंडागर्दी गायब हो गई थी। लेकिन आज जो वारदात हुई है, ये एक तरीके से खुला आह्वान दे दिया यहाँ पर के इन गुंडों ने कि हम किसी से नहीं डरते। आखिर में परतवाड़ा के थानेदार संदीप चौहान इस ओर क्या कार्रवाई करेंगे, बस इसी ओर सभी की नजरें लगी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।